विकास के लिए लगातार व्यथित थे, परेशान थे, डीआरएम को आवेदन दिया गया था, क्या सर उसका क्या अभी तक परिणाम आया? मैंने मोरा स्टेशन के लेकर के डीआरएम को सारी बात को अवगत करवाया था कि मोरा स्टेशन में काफ़ी जर्जर था, ब्रिटिश जमाने का था ये छावनी, खास करके के हमने अपने से स्वयं जाके डीआरएम से एक आवेदन लिखित रूप में दिया था, जिसमें खास करके एक जिला पार्षद मुकाम पर्सनल होने के नाते हमें लगा कि ये बहुत जर्जर है, टूटा हुआ है, तो मैं जाकर के अपने से व्यक्तिगत मिलूं और सारी बात को अवगत करवाया, जिसमें खास करके यहाँ की सारी व्यवस्था एकदम बिल्कुल एकदम ध्वस्त था, कहीं कुछ है ही नहीं, चाहे वह देखा जा सकता है कि प्लेटफार्म का स्थिति बिल्कुल एकदम खराब है, जो और इससे बेहतर तो मतलब होल्ट का मतलब देखा जाता है, यही मेकरा है, चाहे सालिमपुर है, टिका बिगा, जितना भी है, मतलब बेहतर है यह स्टेशन होल्ट होते हुए भी स्टेशन की तरह दिख रहा, यह स्टेशन होते हुए होल्ट की तरह दिख रहा। तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ प्रदान हुआ? तो मैंने इस पर कई ऐसी बातें लिख करके डीआरएम साहब से अवगत करवाया था, लेकिन खास करके अभी अभी डीआरएम साहब का अन्य पदाधिकारी का जो मोड़ पर निगाहें गई है, खास करके छावनी को इन्होंने इतना जल्द मतलब कि लगवाने में इनकी जो योगदान रहा, मैं इसके लिए डीआरएम साहब को, चाहे जो भी इनमें टेक्निकल जो इंजीनियर हैं, उनको हम धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम एक जिला पार्षद का मुकाम पश्चिमी का आवेदन पर त्वरित कार्रवाई कर करके तुरंत बनवा दिए छावनी को, इसके लिए हम धन्यवाद। इसमें जो है कि परसों एक पारस जी जो हुए जो सांसद हैं, उनका भी जो है कि एक लेटर वायरल हुआ था कि वो भी इसको चाहते हैं बेहतर बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं भी उस संबंध में मैं स्वयं मतलब कि पशुपति पारस जी से, बिनु अंबिका जी से, अंबिका बिनु जी से मैंने इस बात का मोर स्टेशन के लिए रखा था कि पीछे पारस बाबू जो सांसद हैं उनसे मतलब रखने के लिए, मंत्री भी हैं आज के डेट में, उनसे भी हमने इस पर मोर स्टेशन की बात कहा था कि यहाँ जो दोनों काम में जो ट्रेनें बंद थी उसको मतलब पूर्ण रूपेण जो बंद हुई थी उसको पूर्ण चालू करने के लिए, जैसे पाटली था, सुपर दानापुर था, वगैरह वगैरह और भी कई गाड़ियाँ थी। सकारात्मक परिणाम दिख रहा है? ये सकारात्मक परिणाम तो मात्र अभी छावनी ही दिख रहा है, प्लेटफॉर्म का जो स्थिति दुर्दशा है तो देखने योग्य है, हमें बहुत खराब लग रहा है कि, लेकिन हम धन्यवाद के पात्र इसलिए मानते हैं कम से कम छावनी त्वरित कार्रवाई की गई। मैं इसके लेकर के ट्रेन संबंधित जो है पशुपति पारस जी मेरे लिए जो जो मतलब किए हैं वो अभी भी मतलब कि अभी शून्य दिख रहा है, कहीं अभी दिख नहीं रही है, शायद अभी कुछ होगा तो उसको हमने बिल्कुल आप लोग का अवगत करवा देंगे, जनता तक जाएगी मैसेज, लेकिन हमारी जो छावनी लगा है और पानी वगैरह का कुछ साधन हुआ जो चापाकल बंद थी और वगैरह साधन, तो पहले जो खराब चापाकल था वो बन गया जी, और मतलब कि इस तरह की हमने अपने आप में समझते हैं कि इस तरह का जो स्थिति रहेगा तो निश्चित है कि हमने ही कमी माना जाता है कि हमने अपने स्टेशन के बारे में रूबरू नहीं करवा पाया, जिसके वजह से ये खाली रह गई अब, लेकिन इस पर निश्चित है कि सफलता मिलेगी, हम फिर से पुनः अपनी बात को रख करके यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे कि प्लेटफार्म को बेहतर बनाएंगे। अभी ऐसा देखा गया कि कुछ यात्री थे टिकट कटा के जा रहे थे, उसके बावजूद वो लोग गर्मी में परेशान थे, पंखा उनका नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि अभी तो लगा छावनी उसमें मतलब पंखा के तो मतलब पूर्वत में था, लेकिन अभी तो नहीं है, अगर ये लगा दिया जाए तो ताकि यात्री को बहुत सुविधा बनेगी, काफ़ी अच्छा रहेगा, कारण कि सारे छावनी में बैठे हुए हैं, गर्मी का दिन है, काफ़ी मतलब परेशान है जी, है ना। क्या मतलब परिचय हुआ आपका सर? मैं मुकामा पश्चिमी जिला पार्षद कुमार नमित कुमार से बोल रहा हूं। सर, एक चर्चा में यह भी है कि आप स्टेशन मास्टर का नौकरी छोड़कर राजनीति में आए सर। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल, मैं नागपुर डिवीजन में एसएम के पद पर था, मैंने मतलब जान कर करके मतलब जनता के हित के लिए मतलब कि राजनीतिक हमको मतलब कि इससे पूर्व नौकरी से पहले भी हम राजनीतिक मतलब कि हमारे लिए मेन उद्देश्य था कि हम राजनीतिक में आकर के अपना कुछ लोगों के बीच में अपना आयाम ला करके खड़ा करें। तो कितने